नमस्कार, मैं हूं कविता। मोदी सरकार के पिछले 4 साल के कार्यकाल में विपक्ष पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी विपक्ष के इस अविश्वास हथियार का सामना करने के लिए पूरी तैयारी में जुटी है। अविश्वास प्रस्ताव में अहम आंकड़ों को गणित के नजरिए से बीजेपी को अपने सभी सांसदों को एकजुट करना होगा, और ऐसे में कभी पक्ष तो कभी विपक्ष की भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दी, तो वहीं विपक्ष को झटका। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक एक वोट का कितना महत्व है ये बीजेपी अच्छी तरह से जानती है, और साल 1998 में सिर्फ एक वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। इस लिहाज से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सरकार के पक्ष में वोट करने का ऐलान कर मोदी सरकार को और बीजेपी को बड़ी राहत दी है, तो वहीं विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सरकार पर लगातार हमले करने वाले यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी के गोल में शामिल शत्रुघ्न सिन्हा से विपक्ष भी कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाए बैठा था कि शत्रुघ्न की नाराजगी का फायदा उसे मिल जाएगा और कम से कम एक वोट उसके खाते में जुड़ जाएगा। हालांकि विपक्ष की इस उम्मीद पर पानी फेरते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कर दिया है कि जब तक बीजेपी में हूँ, बीजेपी के लिए जान भी दे देंगे, मुसीबत की घड़ी में पार्टी के साथ रहूंगा, विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करूंगा तथा कथित मुसीबत से पार्टी के साथ कदम मिलाकर चलूंगा। वैसे आंकड़ों के लिहाज से मोदी सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन बागी तेवर अपनाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा के वोट को लेकर अगर मगर की स्थिति बनी हुई थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी समय समय पर बीजेपी से अलग रहे, तो वही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और लालू प्रसाद की RJD की रैलियों में शामिल होना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।